इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव कहते हैं, पुत्र आप राम जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जिसके ऐसे चार दिव्य पुत्र, उस पिता की प्रशंसा क्या कहे। महाराज सब प्रकार सौभाग्यशाली थे, बड़भागी थे, उनके लिए शोक करने योग्य नहीं है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आश्रम बन रहा है वहां सेवा भेज दो, जहां आप हैं परिवार के लिए जो करते हो आप उसका 10-5% लोक मंगल के लिए करते रहो। कल मकर संक्रांति है, दान कर लो और जो दान लेने वाला दिखाई पड़े उसको बांट दो। चतुराई नहीं। हमारे कानपुर में एक माई ने दशांश निकाला और मैं गया तो बोली, भैया आपने कथा में सुनाया ना, मैंने दशांश निकाला। मैंने कहा मां किया क्या? बोले बिटिया को फ्रिज दे दिया। ये चतुराई है। दशांश निकाला, किसको दिया? अब बेटी कन्या दान किया है, उससे बड़ा भगवान कहां मिलेगा? ये नहीं, ये चतुराई है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत करत। भजत माने करत, भज धातु सेवा में प्रयुक्त होती है। उनको देना जिनसे हमारा रक्त का संबंध नहीं है, वो दान है, ये निषेध है। जिनको हम नहीं जानते चुपचाप दे आए, हम जहां भी रहें वहां कुछ न कुछ करें। यहां गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया, बेटा पिता जिसको देता है वही राज का अधिकारी होता है। आपके पिताजी ने राम जी की सौगंध ली है, आपके कुलश्रेष्ठ रघुजी महाराज की सौगंध ली है। योग्य पुत्र पिता के वचन को निर्वाह करता है। योग्य पुत्र पिता के वचन का निर्वाह करता है, पालन करता है। राय राजपद तुम कहो देना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। वन में राम जी सीता जी को परितोष होगा, संतोष होगा, माताएं भी आपकी सुखी होंगी, हम भी बड़े प्रसन्न होंगे। प्रस्ताव आ गया, अब इसका अनुमोदन होना है। सुमंत्र जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया, प्रभु की जी गुरु आय सुवसी कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब कर। गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा था आपका मन न हो, क्योंकि रुख से पता चलता है ना। तो जब तक राम जी वन में है तब तक राज संभालो बेटा, फिर राम जी आएंगे तो उनको राज सौंप देना। यही बात सचिव जी कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करिए प्रभु, और भगवान आएंगे तो उस समय आपको जब उचित लगे, जो उचित लगे वो व्यवहार करिएगा। सचिव जी के अनुमोदन के पश्चात कोई और अनुमोदन करने वाला चाहिए, तो चक्रवर्ती जी के पश्चात कौन बचा? श्रेष्ठ स्कूल में वशिष्ठ जी श्रेष्ठ हैं, जनरल सेक्रेटरी कार्यकारी राजा अभी सुमंत्र जी महाराज गद्दी को उनके बाद मुखिया थे, महामंत्री है ना, तो वो प्रमुख हैं। अब इसके बाद कौन? राजमाता, माँ कौशल्या जी राजमाता, उन्होंने कहा पुत्र गुरु आज्ञा पथ्य है, स्वीकार करिए। मां के अनुमोदन को सुनकर, मेरी स्थिति मां जानती हैं तब भी अनुमोदन कर रही हैं, ऐसी सुंदर वाणी, मृदुल वाणी, भरत जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु छलक पड़े, ये छंद दर्शन करिए। सानी सरल रस मातु वाणी सुनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोज
सरल वाणी प्रेम से सनी सरल वाणी सुनकर भरत भैया को जो राम जी के विरह का वृक्ष अंकुरित हो रहा था प्रेम अश्रु उस पर ऐसे पड़े और बढ़ गया। भरत जी की वो दशा देखकर सबको अपने शरीर की सुखी समाप्त हो पूज्यपाद गोस्वामी जी भरत जी की गति की सराहना करते हैं। हाथ जोड़कर भरत भैया ने सबके चरणों में वंदन किया जो श्रेष्ठ गण बैठे थे और अनुमति मांगी। आपकी अनुमति है तो हम कुछ कहें, प्रस्ताव तो आ गया। अब देखिए रघुवंश में गुरु वशिष्ठ भगवान जो कहते हैं वही टेक होती है। हमको आपको निर्णय लेना हो तो गुरु जी कह ही रहे हैं और माँ तो राम जी की मैया है, माँ की आज्ञा ही है, सचिव जी की राय है, तो हमको क्या ऐतराज है। यह है चतुराई। भरत जी यूं श्रेष्ठ नहीं है कि भरत जी राम जी के भैया हैं, भरत जी यूं श्रेष्ठ हैं कि भरत जी का जीवन ही श्रेष्ठता है। धरती पर ढूंढने पर भी आपको भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। ऐसे भाई कौन? हमको क्या अच्छा लगता है ये भ्रातृत्व तो नहीं है, मेरे भैया को क्या अच्छा लगता है ये भरत जी का भ्रातृत्व तो है। हम क्या चाह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भैया क्या चाह रहे हैं ये भरत जी के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा, मां की आज्ञा है स्वीकार है। सचिव जी ने कहा वो भी बहुत अच्छा। माता पिता गुरु श्रेष्ठ स्वामी की बात कल्याणकारी जानकर प्रसन्न मन से मानना चाहिए। आप लोग तो वही कह रहे हैं जिसमें हमारा हित है, लेकिन आपकी अनुमति है तो मैं अपनी भी कहूं। पिताजी देवलोक, भैया भाभी भैया वन में माताओं के साथ क्या हुआ है आप सब साक्षी हैं। इस पर भी आप कहते हैं हम राज संभालें, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा हित केवल श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा में है। मैंने विचार किया इसको छोड़कर किसी प्रकार मेरा भला नहीं। शरीर आभूषण से सुसज्जित हो और वस्त्र सुलभ न हो तो शरीर की शोभा समाप्त, शरीर रोगी हो बहुत भोग व्यर्थ। जीवात्मा शरीर में नहीं हो शरीर का कोई मोल नहीं। उसी प्रकार यदि अयोध्या में राम जी न हो तो अयोध्या का कोई मोल नहीं। आप सब हमको शिक्षा दीजिए जिससे हम वन में जाएं और प्रभु के चरणों में निहोर करके भगवान को अयोध्या लेके आए। भरत जी ने कहा राजा वो होता है जिसके नाम का प्रस्ताव हो तो मंगल होने लगे। मेरे नाम का प्रस्ताव आया और अयोध्या में उत्पात ही उत्पात हो गया। पिताजी का महाप्राण हुआ, माताओं को वैधव्य प्राप्त हुआ, मेरे भैया भाभी बन चले गए। क्या कहें? ग्रह ग्रहित पुण्य पात बस ते ही पुण्य बीजी माँ ते ही पियाई बारुनी कहो का बचा। किसी को नौ में से एक ग्रह ग्रस लिया हो, उसको बात की बीमारी हो, ग्रह क्या है? मंथरा। बात क्या है? भगवान बन चले गए। बारुनी क्या है? राजपद।
अबे टीस मेरा कलंक लगा, मेरे नाम का आया तो भैया भाभी बन चले गए, पिताजी का महाप्राण हो गया, माताओं को वैधव्य प्राप्त हुआ, इसकी टीस ते ही पुण्य बीची ते ही पियाई अबारुनी कहो मदिरा, राज रूपी मदिरा पिला दिया जाए और टीस रूपी कलंक रूपी बिच्छी मार दे, कहिए उसको कोई दवा काम कौन पूछेगा। एक ही आंख यह मन माई प्रातः काल चलो प्रभु पाई, अरे हूँ कयन भल कीन राम मैं शिशु सेवक यद्यपि पाई, मैं परमात्मा के सिर चरणों में चलूं उनके सन्मुख हो जाऊं। भगवान ने अपने शत्रु का भी कभी बुरा नहीं किया। यदि आप लोग उचित समझते हो तो सभी पंच मिलकर हमको आज्ञा दें, प्रभात काल भगवान के सिर चरण में चले। अरे इतनी बात, इतना प्रस्ताव भरत जी का सुनकर चलना प्रात सुनी निरन के चलना प्रात प्रिय सबके भरत काल प्रिय सबके मुनि बंदी भरत ही सिरोनाई सकल घर बिदा कराई चले सकल घर बिदा कराई चले सकल घर बिदा कराई चलत प्रात लख निर्नौनी के सुनकर समझकर देखकर प्रभात काल भगवान के श्री चरण में चलना है। ऐ निर्णय करना सरल नहीं है, वो ये निर्णय दे देना कि हमारे श्रेष्ठ कह रहे हैं तथापि हमारा अधिकार नहीं है, ये सब संपत्ति तो भगवान की है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।